होती है, क्योंकि इस स्थान में आके ना मुझे भी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी का महसूस हो रहा है। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो जैसे कि हम लोग हर एक वीडियो में असम के प्राचीन मंदिर हो चाहे प्राचीन जो तंत्र विद्या के बारे में बताने के लिए या दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक उसी तरह से आज भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए एक ऐसा प्राचीन स्थान दिखाना चाहता हूँ। और इसलिए मैं आया हूँ मायोंग के सोनोका गांव में। ये एक बहुत पॉपुलर पिकनिक स्पॉट भी है। और ये देखिए मेरे इस तरफ है ब्रह्मपुत्र नद, इधर में बीच निकला हुआ है अभी। और इसी बीच में क्या करते हैं, इस टाइम में ये पिकनिक का सीजन है, तो इसी टाइम में बहुत लोग उस तरफ आते हैं बीच में पिकनिक मनाने के लिए। पिकनिक स्पॉट से कुछ दूर आगे एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक स्थान है, स्थान मतलब एक पौराणिक मंदिर है। और मुझे जितना दूर तक जानकारी है असम में ये मंदिर सिर्फ एक ही है, ये मंदिर है नरसिंह मंदिर, यानी कि विष्णु जी का जो नरसिंह रूप है उसी रूप का ही यह मंदिर है। लेकिन यह मंदिर कुछ ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, इस स्थान के साथ साथ इस मंदिर का भी बहुत खास महत्व है। इस स्थान का और इस मंदिर का क्या महत्व है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी मैं एंटर कर चुका हूँ जो मंदिर का कॉम्पाउंड है, और इसमें दो गेट है, एक तो ये गेट है, ये मूल गेट है, और इसके आगे और भी एक गेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं मंदिर का जो दो नंबर गेट है वहाँ एंटर किया, और मेरे लेफ्ट साइड में एक कुटिया जैसा है, कुटिया जैसा नहीं एक्चुअली कुटिया ही है, ऐसा लगता है इधर में कोई बाबा जी रहते हैं। तो एक बार मैं देखता हूँ, और जो बाबा जी का कुटिया है उसका एंट्रेंस में ही ये देखिए शिव जी का एक मंदिर है, शिवलिंग भी है छोटा सा। तो चलिए बाबा जी से कुछ बातचीत करते हैं। बाबा प्रणाम। अभी मैं बाबा जी के साथ बैठा हुआ हूँ और बाबा जी से पूछते हैं कि इस मंदिर का क्या इतिहास है या फिर क्या कहानी जुड़ी हुई है इस मंदिर से। तो बाबा जी, हम लोगों ने ऐसा बात सुना है कि मायोंग तो है तंत्र मंत्र का गढ़, तो इसके हिसाब से प्राचीन काल में इस पहाड़ में बहुत लोग आके, यानी कि जो तांत्रिक या साधु संत हुआ करते थे, वो लोग आके इधर पे अपना साधनाओं का सिद्धि किया करता था, ये बात सही है क्या बाबा? सही है जी, जी ये बात सही है। और हमरा देखा हुआ भी है, हमको 83 आपको 83 हो गया जी, जी है ना जी। तो हम बचपन से जो देखा है जी उसको तो बोलेगा। तो बाबा जी, जैसे कि मैंने आपको पूछा प्राचीन काल में यहाँ तंत्र जो साधना करते थे लोग आके यहाँ पे साधना को सिद्धि किया करता था, तो इसी एरिया में हुआ करता था वो साधना या फिर ऊपर? मतलब उसका साधना का जगह अभी उस पर मंदिर बन चुका है, पहले खुला था, मंदिर ओपनिंग नहीं हुआ है, मंदिर बन गया। वो तीन मूर्ति है ना, वहाँ पर साधना करने वाले साधना करते, पहले घर उठ नहीं प्राचीन काल में खुला था जी। अभी बना कुछ नहीं, पहले से तो इसको भी नहीं कुछ होता है, इसे पड़ा हुआ था जंगल, जंगल में कुछ नहीं हो रहा है। तो ठीक है बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा कुछ बताया इस मंदिर के बारे में। तो बाबा जी से अभी विदा लेते हैं और आगे चलते हैं जो मूल मंदिर है उसको देखने के लिए। चलिए। तो बाबा जी से मैंने विदा लिया और बाबा जी ने मुझे एक बात बताया कि जो पहले यानी कि प्राचीन काल में जो तांत्रिक लोग यहाँ आके इस पहाड़ में अपना साधनाओं का सिद्धि किया करते थे, वो जगह एक्चुअली ऊपर में है और वहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का मूर्ति है। प्राचीन काल में उसी स्थान पर तांत्रिक लोग अपने साधनाओं का सिद्धि किया करते थे, और उसके बाद 1971 में नरसिंह जी का मूर्ति स्थापित किया गया, और तब से ही पूजा पाठ चल रहा है दैनिक रूप से। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसी स्थान तक, और थोड़ा चढ़ाई है लेकिन स्टेप्स बना हुआ है बहुत अच्छा, तो लगता है लगभग 150-200 स्टेप्स होगा यहाँ। यहाँ देखिए आसपास में जंगल ही है लेकिन रास्ता बहुत सुंदर है। जैसे कि बाबा जी ने बताया कि इसी पहाड़ में बहुत सारा जड़ी बूटी मिलता है, वो जो जड़ी बूटियाँ यहाँ मिलता है वो जड़ी बूटियाँ तंत्र मंत्र के साधनाओं में या फिर कुछ बीमारियों का इलाज करने में भी काम आता है। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं।
तो मैं ऊपर तक पहुंच गया और प्लेन एरिया है थोड़ा, यहाँ कुछ घर बनाया हुआ है, पता नहीं किसके लिए बनाया गया है ये। और अभी आगे मैं जा रहा हूँ जिस स्थान पर जो तांत्रिक लोग थे प्राचीन काल में अपना साधना किया करते थे, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा वो स्थान, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से क्या होता है, नीचे जो ब्रह्मपुत्र नद है उसका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा वो। लेकिन पहले जो साधना स्थली हुआ करता था वहाँ तक मैं जाऊँगा और पहले उसी को मैं दिखाऊँगा। और ये देखिए नीचे खाई है और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नद है तल में। और इस एरिया में बहुत सारा धनेश पक्षी भी है, यानी कि हॉर्नबिल है, और कभी कभार इन पेड़ों में भी दिखाई देता है, तो दिखने से मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को। आइए, तो लगभग मैं वो स्थान पहुंच गया और यहीं पे ये जो पहाड़ है, पहाड़ का चोटी ख़त्म हो जाता है और नीचे है ब्रह्मपुत्र नद। कितना सुंदर नज़ारा है, तो प्राचीन काल में इस तरह का एक एकांत जगह में आके तांत्रिक लोग अपने साधनाओं का सिद्धि किया करते थे। और अभी भी देखिए इस टाइम में भी कितना एकांत ये लग रहा है, ये फील हो रहा है मुझे। और ये मैं सोच के थोड़ा हैरान भी हूँ कि प्राचीन काल में उस समय में तो ये पूरा खुला जगह था, जंगली जानवरों का भी डर रहता था उस टाइम में, लेकिन फिर भी तांत्रिक लोग यहाँ आते थे, साधक आते थे और वे लोग अपना साधना किया करते थे। लेकिन क्यों, जरूर इस जगह में ऐसा कुछ पॉजिटिव एनर्जी हुआ करता था या फिर आज भी है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी का महसूस हो रहा है। आप लोग सोचिए प्राचीन काल में इस स्थान में पॉजिटिव एनर्जी कितना स्ट्रॉन्ग था। जो बाबा जी ने बताया था, अभी इधर तो घर हो गया लेकिन प्राचीन काल में ये खुला जगह था। यहाँ बहुत तेज हवा चल रहा है क्योंकि नीचे जो है ब्रह्मपुत्र नद है, तो आप लोग सोच सकते हो कि प्राचीन काल में जबकि यहाँ कोई घर नहीं था उस टाइम में तांत्रिक या साधक लोग आके यहाँ कितना कठोर तपस्या या साधना किया करते थे, क्योंकि तब तो बारिश से या फिर धूप से या फिर हवा से बचने का कोई उपाय ही नहीं था इस जगह में, क्योंकि ये पूरा खुला जगह था। तो मैं जो साधना स्थली है वहाँ तक पहुँच गया और ये देखिए उसी स्थान के पास एक हवन कुंड है और ऐसा लगता है कि अभी भी लोग आते हैं यहाँ अपना साधनाओं का सिद्धि करने के लिए। तो और आगे है ये स्थान जिस स्थान में प्राचीन काल में तांत्रिक लोग अपने साधनाओं का सिद्धि किया करते थे। ये स्थान जो है आप लोगों को अभी जो घर दिखाई दे रहा है ये बाद में बनाया गया है। यहाँ एक्चुअली एक शिलाखंड है, जो शिलाखंड तीन शेप्स में बटा हुआ है और प्राचीन काल में उसी को ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का रूप मान के पूजा किया जाता था। और लेकिन बाद में ये अंकित कर दिया गया है जो मूर्ति है, ये देखिए। तो ये देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट में है ब्रह्मा जी, बीच में है विष्णु जी और राइट साइड में शिव जी का ये छवि अंकित किया गया है। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि तीन जो है शेप है उसमें शिलाखंड में। और प्राचीन काल में इसी शिलाखंड के पास बैठ के तांत्रिक लोग अपने साधनाओं का सिद्धि किया करते थे। और थोड़ा इस तरफ दिखाओ, ये देखिए इधर इस चोटी का लास्ट ये है। इस शिलाखंड के बाद पूरा खाई है और खाई के नीचे ब्रह्मपुत्र, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। लेकिन धनेश पक्षी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है आज, तो चलिए अभी दिखाता हूँ नरसिंह मंदिर। प्राचीन काल में जिस स्थान में तांत्रिक लोग अपने साधना किया करते थे उसके पास में ही है ये नरसिंह मंदिर, जो विष्णु जी का एक रूप है। श्री विष्णु जी ने अपने भक्त प्रहलाद जी को बचाने के लिए ये नरसिंह रूप धारण किया था। तो ये मूर्ति प्राचीन नहीं है, प्राचीन काल में शायद कुछ शिलाखंड हुआ करता था, ये तो मालूम नहीं। और जैसे कि बाबा जी ने बताया था हम लोगों को कि इस मंदिर में आके कोई अगर मन्नत मांगा जाता है वो मन्नत जरूर पूरा होता है। तो दोनों स्थान मैंने आप लोगों को दिखाया और इसके बारे में जो कहानी था थोड़ा थोड़ा वो भी बताया जैसे बाबा जी ने बताया था। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को मायों का जो तंत्र साधना का स्थान है उसमें से एक स्थान दिखाया, और आगे आने वाले वीडियोस में भी हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे स्थानों को दिखाने के लिए, क्योंकि तंत्र मंत्र का गढ़ मायोंग में ऐसे बहुत सी जगह है जिसमें प्राचीन काल में या फिर आज भी शायद तंत्र मंत्र का साधनाओं का सिद्धि किया करते हैं।